भाई तो अशर की सेवेंथ कंट्री कहाँ जा रहा है अशर? वो तो पता नहीं, उसके पापा तो पता नहीं कहाँ दूर रह गए हैं। अशर कहाँ जा रहा है? सो वन मोर फ्लाइट और हम जा रहे हैं ईयर एंड का लास्ट ट्रिप। हम जा रहे हैं कोपेनहेगन डेनमार्क। सुपर लेट, प्रेरणा के मेकअप ने लेट करा दिया। चलो कोपेनहेगन जा रहे हैं डेनमार्क, बहुत ठंड होने वाली है। सी यू देयर। आज भागते भागते फ्लाइट पकड़ रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, सच बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम है। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। एक घंटा बचा उड़ने में। और हमें बग्गी लेने आई है, वैसे भी हम लेट हो रहे हैं, तो चलो जल्दी से हॉप ऑन करते हैं। अशर को बातें करनी है। क्या बातें करनी है? अब कुछ बोल नहीं रहा। घी घी। अशर हम कहाँ जा रहे हैं? अभी बताया आपको? बताया नहीं बताया? मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बार बार मुझसे पूछते रहते हैं। मेरा टेस्ट चल रहा है। आपका टेस्ट चल रहा है, बोलो ना। अशर अपनी बग्गी राइड एंजॉय कर रहा है मम्मा के साथ। अशर बोलो, मम्मा आपने इतना लेट क्यों करा दिया आज? जब फोन नहीं होता तब ये इतना चिल्लाता है, करता है। ओ, लेट तूने कराया, मैंने नहीं कराया। यार पता नहीं लेट कैसे हो गया, सच बता रहा हूँ। तो अच्छा लेट मैंने कराया है। हाँ। इधर दिखाइए अपनी आंखें, उन्होंने लेट करवाया है। एक्चुअली प्रेरणा के कॉन्टैक्ट लेंस गलत आ गए थे, तो हमें सही लेने थे, तो उस चक्कर में हम लेट हो गए हाफ एन आवर। और हम पहुँच गए हैं बोर्डिंग गेट पे और अशर यहाँ पे फुल फन कर रहा है। कोई लेट नहीं हो यार हम तो। यार हम तो जल्दी पहुँच गए। आधा घंटा बचा है। आधा घंटा 27 2:05 की फ्लाइट है। अशर अशर एक्सप्लोर कर रहा है एयरपोर्ट आज, सीटों के नीचे घुस घुस के। एंड फाइनली बोर्डिंग टाइम। बस यूं ही भागते भागते हमने पकड़ ली अपनी फ्लाइट। इस बार क्रिसमस मार्केट देखने की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही है, तो चलो लेके चलते हैं आपको एक एपिक ट्रिप पे। और फाइनली हम तैयार हैं अपनी उड़ान के लिए। एयर इंडिया, हमारी फिर से वही स्ट्रेटजी काम आई है, बीच की सीट खाली छोड़ने की। अभी बोर्डिंग कंप्लीट नहीं हुई है। अरे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, वैसे भी फ्लाइट खाली है, बहुत सीट्स अवेलेबल है। और अशर अपनी सीट पे बैठेगा अगर उसका मन होगा तो। यहाँ चल रहे इंस्ट्रक्शंस और यहाँ चल रही प्रेरणा और अशर का गेम। क्या खेल रहे हो प्रेरणा तुम दोनों? अशर हंसी, हंस दे ना। यस प्रेरणा, कैसा फील है? बढ़िया यार, इकोनॉमी अच्छी है एयर इंडिया की, काफी स्पेशियस है, अपनी सुरक्षा। आई एम हैप्पी कि मैंने अपने पैसे बचाए, बिजनेस बुक नहीं करा है और इकोनॉमी में जा रही हूं। भाई बहुत पैसे बच गए, उतने का वहां एंजॉय करेंगे ना, वहां गाड़ी रेंट करेंगे, फन करेंगे। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अशर, अशर हमारे से भी बात कर लिया कर। अशर देख ले, तुमने ऐसे शिशु को रखना है। शिशु को? शिशु को हाँ, ऐसे ही रखना है। मैं शिशु को ऐसे रखूं? नोट करें कि बाहर जाने के दरवाजे के। अरे सुन लो उसकी बात, सुन लो यार पहले। भाई सीटें बहुत सुंदर, एकदम कलरफुल सा प्लेन है। ये इसको घर बिठाओ, ये नहीं कहीं जाने लायक, मैं बता रहा हूँ। अशर जो यात्री दरवाजों के पास बैठे हैं। तो भाई टेक ऑफ होने वाला है, अशर को हमने हेडफोन बना दिया ताकि एयर प्रेशर से ये परेशान ना हो। और ऐसे ही हंसता खेलता हुआ 8 घंटे बिता के हमें कोपेनहेगन उतार दिए। 8 घंटे, पता नहीं क्या क्या होगा हमारे साथ। थोड़ी देर तो पैराशूट लेके नीचे घूम के भी आ सकती है। सही में अब तो स्काई डाइविंग भी करनी है। अच्छा सॉरी, अशर और पापा सो गए हैं और ड्रिंक्स आ गई हैं, मैं खाना खा रही हूँ, तेरी चोरी पकड़ी गई। और फाइनली लंच टाइम, खाना आ गया। बहुत भूख लग रही है आज, सही बता रहा हूँ। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। 4 बज गए हैं और अभी तक हमने कुछ नहीं खाया। 4:30 घंटे पीछे हो जाएंगे हम, अभी 4:30 घंटे पीछे चले जाएंगे। ये सो रहा है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ मेरे पास स्प्राइट, आइसक्रीम, सैलेड, दही, ब्रेड एंड दाल मखनी, राइस, पालक पनीर। अशर की गुड मॉर्निंग हो गई है फाइनली। अशर के लाए हैं फ्रूट्स और अब अशर खाना खाएगा, जिसको प्रेरणा ने पहले ही खा लिए थे फ्रूट्स। हम दोनों अपना खाना खा चुके हैं, फिर अशर के लिए आए हैं बहुत सारे फ्रूट्स। अशर खाएगा, शेर अब खाना खाएगा। ये लिखा कल बना के। वेरी गुड। तो रात के बज गए 9, मैं देख रही हूँ कुछ कुछ होता है। अशर सो रहा है और हर्ष एज ऑलवेज खा रहे हैं। सेकंड मील आई है, पनीर है, परांठे हैं, आलू है, इसमें क्या है, चना सैलड है और चॉकलावा केक जो कि बहुत ही टेस्टी है। तो कितने 7 घंटे बीत गए ना, 1.5 घंटा और बचा है यार। फ्लाइट तो सही रही यार, बढ़िया मजा आया, ऐसा लग रहा है इकोनॉमी बेटर है, बदल लेते हैं अपना, बीच की सीट मिल जाए बस। सही में। हे अशर, वेलकम टू योर 7th कंट्री।
अशर तो बहुत ही स्लीपी है यार, वैसे सुबह की फ्लाइट कैसी रही तेरे लिए? बहुत बढ़िया यार, मेरे को तो लग रहा है अब भी हम उड़े थे, अब लैंड भी कर गए। आई थिंक अगली बार से मॉर्निंग की फ्लाइट। हर बार इस लड़की का चेंज होता है, हर बार। फाइनली लास्ट ट्रिप। 5 डिग्री है पता है, ठंड है बहुत। सो गाइस, मैं बहुत हैप्पी हूँ, अशर बहुत हैप्पी है। अशर की 7th कंट्री और हमारा साल का लास्ट ट्रिप। इस साल बहुत घूम लिए बट अभी यूरोप आ गए हैं, सॉरी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज घूमने वाले हैं। बहुत ही बर्फ, बहुत ही ठंड में आ गए हैं और क्रिसमस फील देख सकते हो पीछे आ गए, तो क्रिसमस मार्केट्स देखने आए हैं हम अशर। क्रिसमस टाइम और यहाँ पे हमारे सारे बैग्स आ गए हैं और अशर बहुत ध्यान से क्रिसमस ट्रीज देख रहा है, क्रिसमस लाइट्स देख रहा है। अभी तो बच्चों बहुत टाइम है, आगे आगे देखो होता है क्या तुम्हारे साथ। बाहर निकलते ही पता लग रहा है ठंड क्या होती है। अशर ठंड लग रही है, ठंड लग रही है अशर। अशर को नहीं लग रही ठंड, लग रही है अशर ठंड। पापा को ठंड लग रही है और टैक्सी लेने खड़े हो गए हम भाई, टैक्सी ले ले हर। और फाइनली टैक्सी ले ली है, अब जा रहे हैं हम स्कैंडिक होटल और फाइनली चेक इन कर लिया है स्कैंडिक में, वहाँ पार्टी भी हो रही है। चले अशर, कोई गेम हो रहा है, फुटबॉल रख दी। चलो और यहाँ पे पूरी क्रिसमस की डेकोरेशन हो रखी है, अशर को बहुत अच्छा लग रहा है क्रिसमस ट्री। चले घर लेके चलो, चले घर लेके, ले चले घर हम। ओके, राजा जी बेड पे आके बैठ गए, पसर गए हैं, पढ़ रहे हैं यहाँ पे आके पता नहीं क्या क्या। याद है पहले एक टाइम होता था चेक इन करने के बाद हम लोग कितना एंजॉय करते थे, रिलैक्स करते थे ऐसे बेड पे लेट जंप मार के, मैं तो सो जाता था। और अब देखो पहले इनकी सारी ड्यूटीज करो उसके बाद अपने लिए कुछ सोचो। अभी तक बैग भी नहीं उतारा। सही है यार, पर जो भी है फन तो आ रहा है यार। कितने यूरोस, कितने यूरोस लगाए तूने टैक्सी? कितने? 10 मिनट के 65 यूरो, 65। अच्छा मुझे 85 लग रहे थे, मैं तो और थोड़े सदमे में आ गई थी। पर सच में 65 यूरो 10 मिनट की राइड के? हाँ यार, 65 डेनमार्क इज वेरी एक्सपेंसिव। फिलहाल अनपैक करते हैं और इनकी खातिरदारी करते हैं। ये हर्ष एक्चुअल में शॉक्ड होने की ना ऐसे एक्टिंग कर रहा है, मैंने इसे पहले ही बोल दिया था कि अगर हम टैक्सी करेंगे तो लगभग $80-100 मैंने ऑनलाइन पढ़ा था लगेंगे, तो यूरोस में 65 यूरो लग गए तो क्या वो हो गया। वैसे ना 65 यूरो मुझे भी सुन के बाद में थोड़ा सदमा तो लगा कि यार एक 15 मिनट की टैक्सी राइड के भाई 5,000 रुपए, सीरियसली 5 से भी ज्यादा भाई, 93 का यूरो है। हाँ भाई 5 से भी ज्यादा, इसको 500 रुपए और बढ़ा दो तसल्ली मिलेगी। बट कहने का मतलब ये है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है ना, ये डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब बहुत एक्सपेंसिव है और आने वाले दिन में आपको बहुत ही क्रेजी क्रेजी चीजें देखने को मिलेगी इन कंट्रीज की। एकदम नई सी दुनिया, नया सा वर्ल्ड देखने को मिलेगा कि ऐसा भी कुछ है हमारी दुनिया के बाहर। और दिखाएंगे आपको ग्रोसरीज कितनी महंगी है, सामान कितना महंगा है, टैक्सी कितनी महंगी है, सारी चीजों के रेट बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे और ये कंट्रीज बहुत अच्छे से दिखाएंगे। तो स्टे ट्यून, और कल तो क्रिसमस दिखाएंगे। और अभी फिलहाल अशर जी हमारा वेट कर रहे हैं तो इनकी खातिरदारी करने चलते हैं। ओके अशर जी, चलो बेटा सोने का टाइम हो गया, गुड नाइट। तो गाइस पहली मॉर्निंग है और हम ब्रेकफास्ट करने आए हैं। मैं थोड़ा धीरे बोलने वाली हूँ क्योंकि बहुत बंदा है ब्रेकफास्ट जो कर रहा है एक साथ, और बहुत ही डिफरेंट ब्रेकफास्ट है। आई थिंक ऐसा ब्रेकफास्ट हमने कहीं नहीं करा, कॉन्टिनेंटल नहीं है ये तो, प्रॉपर मतलब यूरोपियन स्टाइल है, स्कैंडिक एकदम। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है। ये यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल ब्रेड है, ये भी अलग है, ये इनकी डच ब्रेड है, और थोड़े सा स्क्रैम्बल्ड एग्स, न्यूटेला और स्ट्रॉबेरी जैम, पिच जूस, और ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये मेरी प्लेट, यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर हर्ष की प्लेट विद कम सामान। क्या भाई हुआ? कुछ है ही नहीं खाने के लिए, क्या करें इतना बड़ा बुफे पर हम लोगों के लिए कुछ नहीं भाई, और इतनी महंगी नाइट है, वैसे दावा करा था पता नहीं क्या क्या होगा और निकला क्या, कुछ भी नहीं। और बुकिंग करा के आनी पड़ती है टाइम स्लॉट की, ऐसा भी है ना? ये समझ नहीं आया यार, हम स्कूल में आए हैं आपको ना एक रात पहले बुकिंग करानी है कि आप नेक्स्ट डे कब आओगे। मतलब इमेजिन अगर मुझे सुबह 10 बजे खाना खाने का मन है पर नहीं, मैंने बुकिंग 8 बजे कराई है तो मुझे 8 बजे ही जाना पड़ेगा भाई। मेरी तो लड़ाई होगी यार, एक्चुअली मेरी तो लड़ाई होगी, मैंने कहा हम हॉलीडे पे आए हैं और हमारा बच्चा जब सोएगा ना हम तभी खाना खाने आएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात यार, व्यू तो अच्छा है, कैसा लग रहा है पर ब्रेकफास्ट खाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे ना हल्दीराम के बहुत सारे पैकेट लाए हुए हैं, मैं तो वही जाके खाऊंगा। जब तक फ्रंट है ना पहलो तब तक मजा नहीं आता, वही खाएंगे। चलो भाई मैं तो गिराने वाली हूँ, ये नहीं गिरनी चाहिए भाई, कॉफी नंबर 2 ये नहीं गिरनी चाहिए हर्ष। हॉट चॉकलेट, क्या पोपट हुआ है अशर, तेरे चक्कर में हुआ है सब कुछ। कुछ नहीं, खुद ने गिराया अशर का, हर चीज पे अशर का नाम है। अब हर्ष हमें बना के दिखाएगा वॉफल, बढ़िया बनाई हो। कौन सी शेप की है? हार्ट शेप। हार्ट शेप है ही नहीं, बस एक, बस एक, दो खाने नहीं। यू आर स्मार्ट। 3 मिनट लगेंगे पूरे, 3 मिनट, और टेस्टी वॉफल तैयार है अशर के लिए। और मैं न्यूटेला डाल रही हूँ और अभी भी 1 मिनट बचा है, फल तैयार है। प्रेरणा और अशर ही बैठे हैं, तुमने खाना है? नहीं। अशर को खाना है? नहीं।
अशर खा ले प्लीज। अभी नहीं खाता। चल ठीक है फिर मैं ही चटकाता हूँ सारा। चलो इनको जल्दी से खाते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में देखेंगे हम कोपेनहेगन क्रिसमस मार्केट। बाय।